सो हाँ जी, कैसे हो, क्या हाल चाल? पवन सिंह, आप सबको पता है पवन सिंह एक ऐसा नाम है जो सिर्फ नाम ही काफ़ी है इस बंदे का। पवन सिंह का नाम दुश्मनों का दिल दहलाने के लिए और जो पवन सिंह को प्यार करते हैं उनका दिल धड़काने के लिए काफ़ी है। और पवन सिंह के नाम से काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल हर दिन वीडियो बनाते हैं, हर दिन आई डोंट थिंक सो भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे इंटरव्यू पवन सिंह के नाम से चलते हैं। कोई इंटरव्यू होता है उसमें पवन सिंह के नाम से कंट्रोवर्सी डाल दी जाती है। मैंने एक रैप सुना था थोड़े दिन पहले, उसमें एक लाइन थी कि मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं डालता फिर भी हर दिन मेरे नाम पे न्यूज़ बन जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लाइन पवन सिंह के लिए लिखी गई थी। पवन सिंह भाई सोशल मीडिया पे स्टोरी नहीं डाल रहे, लेकिन उनके नाम पे हर दिन न्यूज़ बनती है। हर दिन पवन सिंह को किसी न किसी कॉन्ट्रोवर्सी के साथ जोड़ दिया जाता है। हर दिन पवन सिंह के नाम पे यूट्यूब पे लाखों के व्यूज़ आते हैं भाई लोगों को। और सिद्धू मूसेवाले के गाने की एक लाइन थी कि मेरे से तो चल रही यूट्यूब है आजकल। सो कभी ना कभी मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो लाइन भी पवन सिंह के लिए लिखी गई थी, क्योंकि भाई पवन सिंह भी ऐसा बोल सकते हैं कि यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो हर दिन मेरे नाम पे चलती हैं। उन सब वीडियो में से एक अखिलेश कश्यप जी का इंटरव्यू हुआ है जो आज सुबह से काफ़ी वायरल हो रहा है भाई। उसमें इस बंदे ने पवन सिंह के बारे में कुछ बोल दिया है, देखते हैं क्या बोला है, फिर करते हैं बातचीत चले साथ गया साथ। था पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी, जी क्योंकि पहले के गाने उठा के देख लें, पवन जी हो चाहे खेसारी जी हो, जी वो ओके गानों में दम होते थे। गंगा जी नहाई वो ए मैया, जो बिल्कुल गाना इतना ज़्यादा बजा, सही तो कहीं ना बात, कहीं अच्छे गानों को भी तो लोग सपोर्ट करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जो वो गाना था, चाहे पवन भैया का जो भी जी देवी गीत होता है ओके या सो मुझे इतना सा पता चल गया कि ये बंदा पवन सिंह के विरोधी सुपरस्टार है, उनके लिए ये बंदा गाने लिखता छठ है। होता है, सावन होता है, तो उनका भजन सुनते हैं लोग। जी लेकिन अब उस वे में अगर पवन भैया रहे, खेसारी भैया रहे, जो उनको सुनते हैं लोग, जी जो उनके आवाज़ में अच्छे लगते हैं, अगर वे छोड़ के अगर वो लोग कुछ अलग गाने लगे तो वो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती है। भले वो उसका व्यू चल जाएगा, 2 दिन के लिए कोई गा लेगा, जी तो वो एक अलग चीज़ है। हमें नहीं लगता है कि, और पवन भैया से जो अब देवी गीत हो चाहे सावन हो, उनसे एक उम्मीद रहती है पब्लिक जी को, और मुझे नहीं लगता है कि इस पब्लिक की उम्मीद पे वो खरे उतर पा रहे हैं अभी कुछ। ओके सो बेसिकली ये बंदा पवन सिंह को बोल रहा है कि पवन सिंह, जो जनता जितना पवन सिंह से चाहती है उस पर खरा नहीं उतर पा रहा, क्योंकि आप सबको पता है पहले पवन सिंह भाई ने क्या हिट गाने दिए हैं, चाहे वो बोल बम ट्रैक कह लो या जो भी देवी पे आते हैं वो ट्रैक्स कह लो। और एज अ राइटर होने के नाते ये बंदा अपने एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहा है। और अगर एज अ ऑडियंस और एज अ गुड लिसनर मैं अपनी बात बताना चाहूँगा कि भाई ठीक है पवन सिंह भाई, आप सबको पता है इस बार पवन सिंह भाई ने सिर्फ एक कोई गाना निकाला है और उसका एक गाना दूसरे सिंगर के 10-10 गानों पे भारी पड़ रहा है। मतलब ऐसे नहीं, ठीक है गाना बनाना, पवन सिंह गाना नहीं बनाता, पवन सिंह एंथम बनाता है। पवन सिंह के जितने भी पुराने गाने उठा लो, वो आपको स्टार्टिंग में लगा होगा या चलो ठीक है ना आपने सुन लिया, लेकिन बाद में आपको अच्छे लगने लगे होंगे। पवन सिंह का म्यूज़िक कुछ ऐसा होता है। और पवन सिंह भाई एंथम, जैसे अपनी नेशनल एंथम है वो हर बंदे की ज़ुबान पर चढ़ जाती है, वैसे ही पवन सिंह भाई एंथम्स बनाता है। और जो पवन सिंह भाई, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी आपको पता होगा, मतलब कम करो लेकिन जितना भी करो अच्छे से करो, उसको कहते हैं क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। सो पवन सिंह भाई क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। एक गाना आया, हमको कोई शिकायत नहीं है, हमको पता है पवन सिंह भाई क्या कर रहे हैं और बहुत जल्द पवन सिंह भाई कौन से बम गिराने वाले हैं। मतलब विस्फोटक पदार्थ होते हैं ना वो बना रहा है वो बंदा, बहुत जल्द आएगा, जब आएगा सबकी ज़ुबान बंद हो जाएगी। आप तब तक के लिए सिर्फ पुराने गाने सुनो और एंजॉय इनसे करो, जो जैसे गाने आ रहे जैसा हैं, गाना नहीं सुनेंगे। हाँ, मतलब हम एक भोजपुरी के ही श्रोता होके के नाते जी बोलते हैं, जी हम जी ही ना कि हमारा माने कि उसे नहीं, कंपटीशन तो है, मैं खुद कह रहा हूँ। लेकिन जॉन उसको जो रिपोर्टर है वो खुश हो रहा है, क्योंकि उसको पता है पवन सिंह का नाम आ गया, कंट्रोवर्सी बनेगी और अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे भाई। पवन सिंह के नाम पे हर दिन व्यूज़ छापते हैं लोग हर दिन। मान लीजिए, जब हम लोग छोटे छोटे थे उस टाइम पवन भैया का गाना सुने थे कि ए बाबा फिर से निर्मल करी हमारा गंगा माई के, क्या बात, चाहे उस ओके टाइप के कि गौरा हो हंस दना, पवन पति अपमान हो ये गौरा, जो उनके ओके गाने जो हमारे आदरणीय बड़े भाई जिनको हम लोग देख के लिखना सीखे हैं, मनोज मतलबी चाचा जी जी, जी ओके वो ओके हमारे ही जिला के हैं और हमारे बहुत नज़दीकी हैं वो, तो उनको ओके हम लोग देखते थे शुरू में। तो जो मतलबी जी लिखते थे उनके जो गाने होते थे उनमें धार होता था, लगता था वो शिव पुराण लिख दिए कि पति अपमान हो ये गौरा, तो वो सब चीज़ें सुनने को अब नहीं मिलता है पवन भैया के आवाज़ में। देखो और यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे वैसे गाने भी बदलने हैं।
और बदलने भी चाहिए भी, क्यों ना बदलेंगे, टेस्ट बदल रहा है लोगों का। मतलब 2022 में अगर आपको 10 साल 20 साल पुराने गाने सुनने को मिलेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो बंदा न्यू स्कूल चीज़ें बना रहा है, अच्छी चीज़ें बना रहा है, उसको अप्रिशिएट करो, ना कि इंटरव्यू में बैठ के हम ये बोल दें कि भाई नहीं यार पवन सिंह भाई अब पहले जैसे नहीं रहे। आपको पता है एक मार्केट स्ट्रेटजी होती है दूसरे सिंगर को ना नीचा दिखाने के लिए, या उसको कहीं ना कहीं ये सुन के ऑडियंस को ऐसा लगा होगा कि हाँ यार सच में पवन सिंह भाई पहले जैसी चीज़ नहीं बना पा रहे, पहले जैसा गाना नहीं आ रहा। सो ये सब स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं हर दिन, बहुत सारे लोग करते हैं। मैं तो टू बी ऑनेस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से जो भी कैमरे के सामने आके बोलता हूँ, आप सबको लगता है मैं पंजाब से हूँ बेसिकली, आप सबको लगता है ऐसे कैसे बोल रहा है, क्योंकि भाई मैं सिर्फ भोजपुरी गाने नहीं सुनता, मेरे को पंजाबी इंडस्ट्री की ए टू जी खबर होती है, मैं पंजाब में रहकर भोजपुरी की खबर रखता हूँ। और आपको अच्छा भी लगता है कि जब मैं वीडियोस लाता हूँ भोजपुरी गानों पर, रिएक्शन करता हूँ चीज़ों पर, और साथ साथ मैं अभी इतना सीखा नहीं, साथ साथ सीखता जा रहा हूँ। और मुझे हॉलीवुड के बारे में पता होता है, मुंबई के हिप हॉप सीन के बारे में पता है, जो हिप हॉप इंडिया का हिप हॉप है, देसी हिप हॉप है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं खबरें रखता हूँ। और उन सब से जो मुझे सीख मिलती है ना, यही सीख मिलती है कि भाई कैसे ये सिंगर्स या राइटर्स मार्केट स्ट्रेटजीज खेलते हैं। मार्केट स्ट्रेटजीज बोले तो जैसे किसी को नीचा दिखाने के लिए ना चाल चलते हैं। सो ये सब चालें होती है, आपको समझ आया कि पवन सिंह भाई क्या बना रहे हैं। आपको पवन सिंह पे बिलीव होना चाहिए, उस लेवल पे रह के गाने बनाना, क्योंकि बंदे ने देखो राइटर का काम होता है लिख के गाना दे देना, राइटर ने गाना लिखा अपनी मर्जी के पैसे मांग लिए, सिंगर ने दे दिए, उसके बाद सिंगर को उस गाने की कंपोजिशन गाना होता है और उसका म्यूज़िक के पैसे भरने होते हैं, उसकी म्यूज़िक वीडियो पे खर्च करना होता है, वीडियो किसी लेबल को देनी है वो सोचना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे नहीं कि गाना सो के उठे और गाना बना दिया, भाई ऐसे गाने नहीं बनते कभी भी, गाने बनने के लिए मेहनत लगती है। और वो मेहनत को हमेशा अप्रिशिएट करो, ना कि ये यार कि नहीं अच्छा नहीं है, हर चीज़ अच्छी है अगर आप गुड लिसनर हो, आप अच्छे विजन से सुन रहे हो। अगर आप ये सोच के कोई गाना सुनोगे कि भाई मुझे इसमें से कमियां ढूंढनी है, तो आप भाई शिव भोलेनाथ के ऊपर जो इतनी इतनी बड़ी एंथम्स बनी होगी, आप उनमें से भी कमियां निकाल दोगे, खुद भगवान में कमियां निकाल दोगे अगर आप कमी निकालने बैठोगे। लेकिन अगर आप अच्छे विजन से सुनोगे, चाहे वो खेसारी लाल का गाना हो, पवन सिंह का गाना हो, हर्ष शर्मा, मतलब मेरा तो चलो कोई गाना नहीं आया, जिसका भी गाना हो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप हेट विजन से देखोगे तो आपको सब कुछ बुरा लगेगा। उनके आवाज़ में ये सब जो गाने आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये सब उनके आवाज़ में अच्छा लगता है, पब्लिक स्वीकार नहीं कर पाती है, तो इसके लिए अब थोड़ा सा बुरा लागल हुई था, माने हम सॉरी बोला था नहीं, लेकिन पवन भैया के आवाज़ में जो भजन जो चीज़ें आती हैं वो नहीं है। और खेसारी भैया का जो है उनका शुरू से ही सो हमको ये सब नहीं सुनना भाई अब। और ये था भाई का इंटरव्यू, और डोंट हेट फॉर एनीवन, मुझे कोई भी हेट नहीं है, जो ये भाई हैं अखिलेश कश्यप जी और या जो इंटरव्यूअर ले रहे हैं, मुझे किसी से कोई हेट नहीं भाई, मैं पंजाब में रहता हूँ, आप वहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर रहते हो, आप इंडस्ट्री के लोग हो, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे ऐसा होता है कि है ना कुछ जितनी नॉलेज मुझको है मैं उस चीज़ों से अवेयर करता रहूँ आप सबको। और ये चीज़ों के बारे में ना पता नहीं हज़ारों चैनल अभी तो शुरुआत हुई, अब पता नहीं इस पर कितनी वीडियोस आएंगी, और बंदा साथ साथ माफ़ी भी मांग रहा है, अगर बुरा लगा हो तो माफ़ी, चलो ठीक है, एज अ फैन ये बंदे ने अपना ओपिनियन बोल दिया, एज अ फैन मैंने अपना ओपिनियन बोल दिया, एज अ फैन आपको अब सोचना है कि पवन सिंह भाई जो बना रहे हैं ठीक है या नहीं। आप सारे कमेंट स्किप कर दो, कोई भी गंदा कमेंट मत करना, किसी भी चीज़ की स्पैमिंग मत करना, सिर्फ एक जेन्युइन कमेंट अगर आप मेरे को कर दोगे तो मैं सोच लूँगा कि ये मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सक्सेसफुल हो गया, सफल हो गया है। मुझे आप सिर्फ इतना कमेंट करके बता दो कि हाल फिलहाल पवन सिंह के जो भी गाने आए हैं, जिंदगी गाना आया था, उसके बाद एक अभी गाना आया है जो चल ले जात बाड़ू देवघर, आपको कैसा लगा गाना, आपको अच्छा लगा या ठीक ठीक लगा, मुझे जेन्युइन सा कमेंट करके बताना। ये नहीं कि पवन सिंह को हमेशा हमने तारीफ ही करनी है, मुझे काफ़ी सही लगा, मतलब जैसे पवन सिंह के गाने होते हैं वैसे ही है भाई। और आपको ये बताना है कि अखिलेश कश्यप जी जो सही कह रहे हैं या आपको वो गाना बढ़िया लगा, अगर नहीं लगा तो सच में बताना, आप जेन्युइन सा कमेंट, मुझे वेट रहेगी आपके कमेंट की। और हाँ, आप सबको मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और अब से बोलता भी रहूँगा, इंस्टाग्राम पे तुम्हारा भाई आ चुका है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, फेसबुक पे मेरी वीडियोस आने वाली हैं बहुत जल्द। जैसे आप फेसबुक पे यार करो, क्या कर रहे हो, फेसबुक पे भी करो लाइक और इंस्टाग्राम पे भी ऐड करो। इंस्टाग्राम पे जल्दी मैं लाइव आने वाला हूँ, और लाइव नीचे मैं हूँगा, ऊपर आप होगे, आपके साथ वीडियो कॉल में बातचीत होगी। मिलते हैं बहुत जल्द।